कराची, पाकिस्तान के कराची में एक अजीब गरीब सी महिला की तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल यह एक ऐसी महिला है जिसका चेहरा तो औरत का है, लेकिन बाकी का शरीर एक लोमड़ी का है। बताया जा रहा है कि इस महिला को दूर दूर से देखने के लिए लोग आते हैं। जब से सोशल मीडिया पर इनकी तस्वीरें वायरल हुई है, तब से यह फोक्स वुमन चर्चा का विषय बन गई है। इस महिला को कराची के चिड़ियाघर में रखा गया है। जैसे ही आप वहां जाएंगे तो आपको लाउड स्पीकर पर सुनाई देगा कि आयोजक आपसे मुमताज महल देखने की अपील कर रही हैं। इसी इमारत में यह विचित्र जीव बैठी रहती है। लोग इन्हें मुमताज बेगम अफ्रीका वाली कहकर बुलाते हैं। इसके अलावा यह फोर्क्स वुमन लोगों का भविष्य भी बताती है और पर्यटकों के साथ दिलचस्प बातें भी करती है। यह लोगों को अपनी कहानी भी सुनाती है और कहती है, मेरा जन्म 35 साल पहले अफ्रीकी में हुआ था। मैं खाने में केक, जूस और फल खाती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि यह अलग अलग भाषाओं में लोगों से बात भी करती है। अगर आप इन तस्वीरों को गौर से देखें तो आपको देखकर हैरानी होगी कि यह महिला नहीं एक पुरुष है जिन्होंने मुंह पर मेकअप किया हुआ है। असलियत में यह एक किरदार है जिसे लोगों के मनोरंजन के लिए रखा गया है। लकड़ी के तख्ते के नीचे एक आदमी बैठता है जिसका केवल चेहरा दिखाई देता है और उसका यह लोमड़ी का शरीर नकली है। असलियत छुपाने के लिए हिजाब का बखूबी इस्तेमाल किया गया है।